गैर कानूनी असासों का मामला है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, रिहा किया जाए। अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस्तदा की गई है। दरख्वास्त जमानत पर जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में दो रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर शाकिर से। उमर शाकिर बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। अदालत ने नायब हुकाम से जवाब तलब कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में दो रुकनी बेंच तकरीबन आज दोपहर 12:15 बजे अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अब्दुल अलीम खान ने अपनी दरख्वास्त में मौका से इख्तियार कर रखा है कि अलीम खान को गैर कानूनी असासा याद बनाने पर गिरफ्तार किया गया। अलीम खान से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, वो इस जुडिशियल रिमांड पर है। तहम अब्दुल अलीम खान को जेल में रखने का कोई जवाब नहीं है। अब्दुल अलीम खान ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की है कि अदालत उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर करे और उनको रिहा करने के अहकाम जारी करे। गुजशत समाअत पर अदालत ने नायब हुकाम को नोटिस जारी किए थे और उनसे तहरीरी जवाब तलब किया था। आज धमकों की जा रही है कि नायब की जानिब से अदालत के रूबरू जवाब तलब किया जाएगा, जिसके बाद